हेलो डियर स्टूडेंट्स, शर्मा साइंस क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ की हिस्ट्री के पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। नेशनलिज्म का मीनिंग ये होता है कि जब रियासतों का यानी कि राजाओं का शासन खत्म होकर एक पर्टिकुलर एरिया में एक नेशन बिल्टअप हो, वहाँ एक डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, जनता का शासन हो, ऐसी ऐसे सिस्टम को हम नेशनलिज्म कहेंगे। नेशनलिज्म जो वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग है, बहुत बड़ा एक मीनिंग है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमें ये मीनिंग पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले पेज पर आप एक पेंटिंग को देखते हैं। ये पेंटिंग फ्रेडरिक सॉर्यू, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 1848 में बनाई थी। उन्होंने टोटल चार ऐसी पेंटिंग्स बनाई थी, एक सीरीज बनाई थी चार पेंटिंग्स की, और उसमें से पहली पेंटिंग ये जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं। इस पेंटिंग के अंदर आप एक वाइट कलर की मूर्ति को देख रहे होंगे, इसे हम स्वतंत्रता की प्रतिमा या स्वतंत्रता की मूर्ति कह सकते हैं। आप ये जानते होंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें थोड़ा बहुत हमने जिसके बारे में नाइन्थ में पढ़ रखा है, उसमें हम ये जानते हैं कि जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, उसे महिला का रूप दिया जाता था, एक लेडी का रूप दिया जाता था। तो उसी रूप में यहाँ पर एक मूर्ति जो है वो एक लेडी की है। आप ये देख पा रहे होंगे कि इनके एक हाथ में एक मशाल है, जो कहीं ना कहीं ज्ञानोदय की मशाल है, और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये दोनों ही बातें मैं आपको डिटेल में थोड़े समय के बाद समझाऊंगा। इसके आगे ये लिखा हुआ है कि ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाई द शैटर्ड रिमेंस ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस इंस्टीट्यूशंस इन सॉर्यूज यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स। यहाँ दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है एब्सोल्यूटिस्म और दूसरा है यूटोपियन, जिसके मीनिंग्स आपको राइट साइड में एक ब्लॉक में दिए हुए हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूटिज्म का मतलब समझते हैं हम लोग। एब्सोल्यूटिज्म का हिंदी मीनिंग होता है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का मीनिंग होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी गवर्नमेंट जिस पर किसी का अंकुश यानी कि नियंत्रण ना हो, यानी कि किसी प्रकार की रेस्ट्रेंट्स उसके ऊपर ना हो। राजा का जो शासन होता था यूरोप में, वो कुछ इसी प्रकार का होता था। वहाँ सभी निर्णय राजा के द्वारा लिए जाते थे, और ये राजा अपना जो निर्णय होता था वो कई मामलों में प्रजा के विरुद्ध, यानी कि जनता की आकांक्षाओं के, उनकी इच्छाओं के विरुद्ध लेते थे, जिससे जनता यानी कि प्रजा हमेशा परेशान होती थी। और जो दूसरा वर्ड है वो है यूटोपियन या यूटोपिया। इसे हिंदी में कल्पनादर्श कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना जो इतना आदर्श है कि वास्तविकता में उसका एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। एक ऐसा समाज, लाइक अगर मैं आपकी और हमारी बात करूँ तो गोकुलधाम सोसाइटी, लाइक तो गोकुलधाम सोसाइटी बन नहीं सकती, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो हर जगह, हर लोकेलिटी में, हर सोसाइटी में मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। तो ऐसी सॉर्यू ने एक कल्पना की थी, एक ड्रीम था उसका कि यूरोप जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाए, और उस कल्पना को, उस ड्रीम को उन्होंने अपनी पेंटिंग के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। आप अपनी इस पेंटिंग को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। शुरुआत में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक। सबसे आगे जो लोग हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं, जो तब तक यानी कि 1848 तक राज्य या राष्ट्र बन चुके हैं, यानी कि नेशंस बन चुके हैं। फ्रांस, जो आप उसके क्रांतिकारी तिरंगे से उसको पहचान सकते हैं, वो ठीक मूर्ति के पास में है। और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जिनका जो फ्लैग है वो ब्लैक, रेड और गोल्डन रंग का जो है वो उनका फ्लैग है। आप एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह समझ पा रहे होंगे कि सॉर्यू ने जब इस पेंटिंग को बनाया, तब उस समय जो जर्मनी के लोग थे वो एक यूनाइटेड नेशन नहीं बने थे। जो फ्लैग उनके हाथ में है वो 1848 में ऐसी बहुत सारी जर्मन रियासतें, यानी कि
प्रिंसिपैलिटीज थीं जिनमें एक ऐसी चाह, एक ऐसी इच्छा थी कि वे सब यूनाइटेड होकर के एक नेशन का निर्माण करें। तो उस चाह का, उस इच्छा का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक एक्सप्रेशन, वो फ्लैग था जो जर्मन भाषी लोगों ने उस समय उस पेंटिंग में थाम रखा है। जर्मन के लोगों के बाद में वहाँ ऑस्ट्रिया, सिसलीस, लिम्बॉर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि ऊपर पेंटिंग के ऊपरी हिस्से में एक प्रकार का स्वर्ग जैसी स्थिति बना रखी है। वहाँ से जीसस क्राइस्ट, बहुत सारे संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। जो आर्टिस्ट हैं यानी कि फ्रेडरिक सॉरियो, उन्होंने इसका इस्तेमाल दुनिया भर के देशों के बीच में भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। और अब आते हैं हम इस इंट्रोडक्शन के लास्ट पैरा पर। लास्ट पैरा मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। मैं एक सेंटेंस पढ़ करके और फिर उसका मीनिंग समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि ये चैप्टर हमें क्या बताना चाहता है। सो शुरू करते हैं। दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इशू विजुअलाइज्ड बाय सॉरियो इन फिगर फर्स्ट। ये चैप्टर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताएगा जिसको सॉरियो ने अपनी पेंटिंग्स में अपनी कल्पना को प्रदर्शित करते हुए बताया है। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. यानी कि जब 19th century चल रही थी तो उसके दौरान nationalism, यानी कि जो nationalist feeling है वो emerge हुई और बहुत ही ज़्यादा force के साथ emerge हुई, जिसमें बहुत सारे political और mental changes लाए पूरे यूरोप के ऊपर। The end result of these changes was the emergence of nation state in the place of multinational dynastic empires of Europe. ये बहुत important है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि इन changes का result, end result क्या हुआ, और end result ये हुआ कि बहुत सारे nation state built हुए, किनके स्थान पर dynastic empires of Europe, यानी कि बहुत सारी जो रियासतें थी उनकी जगह पर अब उनकी जगह nation states ने ले ली, जहाँ पर एक डेमोक्रेसी हो सकती थी, जहाँ पर एक केंद्रीय सत्ता हो सकती थी जैसे हमारे देश में है बिल्कुल उसी तरीके से। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवराइन कंट्रोल ओवर अ क्लैरिटी डिफाइंड टेरिटरी। यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्न स्टेट का, ये हमें ये बताता है कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर है जो जिसका सोवराइन कंट्रोल है और क्लैरिटी डिफाइंड, क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी है जिसके ऊपर उसका कंट्रोल है। Had been developing over a long period of time in Europe, और इसको बनने में, इस तरह के नेशन स्टेट्स को बनने में बहुत लंबा समय, कई साल लग गए। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers come to develop a sense of common identity and share history of descent. लेकिन एक नेशन स्टेट एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा राज्य है जिसमें मेजोरिटी जो है उसके सिटीजन्स की या उनके रूलर्स की, वो एक कॉमन सेंस, एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं और ऐसी विरासत को शेयर करते हैं। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल्स। यानी कि ये जो एक कॉमन आइडेंटिटी है लोगों के बीच में नेशन स्टेट के अंतर्गत, ये कोई एक दिन में प्राप्त कर लेने वाली चीज़ नहीं थी। इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लीडर्स ने अपना बलिदान दिया, बहुत सारा संघर्ष हुआ और तब जा करके ये नेशन स्टेट बिल्ट हो पाए। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। यानी कि ये चैप्टर हमें बताएगा कि किस तरीके से बहुत सारी डाइवर्स प्रोसेसेस के थ्रू एक नेशन स्टेट या बहुत सारे नेशन स्टेट बिल्ट हुए और नेशनलिज्म यानी कि एक फीलिंग, राष्ट्रवाद की वो भावना कैम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप, 19वीं सदी के अंदर यूरोप के लोगों के अंदर वो फीलिंग जो है वो आई। अब हम ये जान लेते हैं कि अर्नस्ट रेनन जो एक फिलोसोफर थे, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने राष्ट्र यानी कि नेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है, किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो 1882 में सॉबोन यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक लेक्चर दिया जो बाद में एक एसे के रूप में छपा, जिसमें बताया गया था कि नेशन क्या है, व्हाट्स अ नेशन। उन्होंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, क्वेस्ट
क्वीन नेशन, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक राष्ट्र यानी एक नेशन बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे त्याग और निष्ठा का एक चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम, उनके गौरव का एक सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, जैसे कि किसी भी देश के सभी लोगों की इच्छा और संकल्प एक जैसे होने चाहिए, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम को करने की इच्छा रखना, एक जनसमूह की यह सभी जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र यानी कि नेशन एक बड़ी और बहुत बड़ी एकता है, यानी कि इसे लार्ज स्केल सोलिडेरिटी बोल सकते हैं। उसका अस्तित्व रोज होने वाला एक जनमत संग्रह है, यानी कि रोज होने वाले प्लेबिसाइट्स हैं। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी को अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती, यानी कि ये एक जो नेशन स्टेट होता है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो किसी देश पर हमला करे और उस पर जबरदस्ती कब्जा कर ले, बल्कि यह एक राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात होती है और एक जरूरत भी है। इनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होगा तो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। इसीलिए पूरी दुनिया के सभी राष्ट्र राज्यों यानी कि नेशन स्टेट्स का अपना अपना कानून है, अपनी अपनी सरकारें हैं, अपना अपना सिस्टम है। यहाँ प्लेबिसाइट को एक्सप्लेन किया गया है अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। बेसिकली ये एक वोटिंग प्रणाली है, एक मतदान जिसे हम बोलते हैं। आप सभी इस बात को इस बारे में वाकिफ होंगे कि किसी क्षेत्र के सभी लोग किसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, उसके लिए जब उनसे पूछा जाता है तो होने वाला प्रत्यक्ष मतदान, उसे हम प्लेबिसाइट बोल सकते हैं। अब हम एक ईजी वे में नेशनलिज्म को समझ लेते हैं। बेसिकली किसी राजा की, किसी क्रूर या अत्याचारी राजा की सत्ता का ख़त्म होना, उसकी रियासत का ख़त्म हो जाना और उसकी जगह पे एक डेमोक्रेटिक सरकार जो पूरी तरीके से जनता के नियंत्रण में है, उस पर जनता का शासन है, उस गवर्नमेंट का बन जाना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बन जाना नेशनलिस्ट फीलिंग का परिणाम होता है। नेशनलिस्ट फीलिंग नागरिकों के बीच यानी कि सिटीजन्स के बीच अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी यानी कि समानता के अधिकार या समानता की भावना को भी लेकर के आती है। सो नेशनलिस्ट फीलिंग आर बेसिकली अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिल्डिंग अप नेशंस